हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी और स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, ये जो ग्रुप थ्योरी का सीरीज है उस पर मैं नेक्स्ट एक और वीडियो लेने वाला हूँ, सम स्पेशल एग्जाम्पल ऑन लाइक ग्रुप, जैसे कि मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं वो मैं आपके सामने समझाने वाला हूँ। और स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, उसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ, सेमी ग्रुप क्या होता है, मॉडुलो मोनोइड्स क्या होता है, स्टूडेंट्स पर बेस्ड मैंने एग्जाम्पल भी बताया, तो वो आई टेप पर जाके आप मेरी वीडियोज को देख सकते हैं, एक बार वो देख लीजिए उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है, राइट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सम स्पेशल एग्जांपल ऑन ग्रुप थ्योरी। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम क्या होता है। देयर आर टू स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मॉडुलो एम रिटन एज अ मॉड प्लस या फिर इसको मॉड एम ऐसे भी लिखा जाएगा या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, लाइक जैसे अगर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देन इसको स्टूडेंट कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है ना, तो लाइक यहाँ पे इस तरह से आता है। देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होता है या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, तो ये नोटेशन है, ये मॉडुलो के यहाँ पे क्या होते हैं, नोटेशन होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये होते हैं, अब कैसे हम मॉडुलो की बात करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर एंड एम बी द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, the addition modulo m of ab is defined as the least non-negative remainder r obtained when a plus b is dividing by n and it is written by this। स्टूडेंट ये जो ज्ञान है मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है, एक बार समझ लीजिए, मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, जब भी एडिशन मॉडुलो की बात करी जाए तो यहाँ पे रिमाइंडर को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो भी हमें दे रखा है लाइक जैसे हम यहाँ पे मॉडुलो एम है तो एम को हम डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर होगा इन दोनों को नंबर को एड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम एम से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखना होता है, राइट। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 + 4 = 5, आपको इसकी वैल्यू पूछी, ये एडिशन मॉडुलो 4 है, दिस इज एडिशन मॉडुलो 4, तो हम जानते हैं 5 और 5 कितना होता है 10, अब 10 को 4 से डिवाइड करो, तो 10 को 4 से डिवाइड करते तो 2 रिमाइंडर आता है, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, समझ में आ गया होगा आपको मेरे को लगता है 100%, है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 + 3 + एडिशन मॉडुलो 5 दे रखा है और ये 8, हम जानते हैं 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 11 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो वो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, तो ये मॉडुलो ऑपरेशन इस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 23 10 और मॉडुलो 7 है तो 23 + 10 33 को 7 से डिवाइड करो तो 28, 7 × 4 = 28, रिमाइंडर कितना बचा 5, है ना, अरे भैया 33 है ना, 33 को 7 से डिवाइड करो, राइट, तो 33 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार आ जाएगा ये 4 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 5 और दिस रिमाइंडर इज द आंसर, क्लियर है। तो ये होता है हमारा एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन, राइट। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करते हैं ना, अब यही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे स्टूडेंट, हम अगर यहाँ पे मैं आपके सामने बोलता हूँ कि 3 × मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और यहाँ पे दे रखा है 10, राइट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट हम जानते हैं 3 × 3 = 10 यहाँ पे 30 होता है और 30 को 7 से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, वहां पे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना रहा, यहाँ पे देखो पहले एडिशन मॉडुलो में एड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 × 3 = 30 और 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28, रिमाइंडर कितना बच रहा 2, मतलब इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए 5 × 5 और यहाँ पे दे रखा है 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है ना, देखो मल्टीप्लिकेशन साइन है तो 5 × 5 = 25, 25 में 4 से डिवाइड करेंगे 24 है ना, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। इस टाइप से हम बात करें 8 × 3 = 24 और 24 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 दे रखा है ना, तो 5 × 24, अब ध्यान दीजिए 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 20 है ना, 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है स्टूडेंट 4, तो ये हमारा क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को ऑपरेट करता है। इस हिसाब से देखो आप 23 × 10 है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 दे रखा है तो हम जानते हैं 23 × 10 230 होगा और 230 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 आएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 6 के बराबर होती है। तो ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड एडिशन मॉडुलो का कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखा प्रूव दैट जेड फॉर लाइक 0, 1, 2, 3 इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4। तो स्टूडेंट मैं आपको टेबल बना के बताता हूं, क्योंकि ये टेबल मैंने बना रखी है पर फिर भी एक बार समझ लीजिए क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, क्योंकि मैं जब क्लास लेता हूं तो स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए थोड़ा सा रखिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए इस टाइप की पीपीटीज बनाई ताकि आपको दिक्कत ना आए।
जेड यहाँ पे 4 है, एडिशन मॉडलो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो स्टूडेंट 0 0 + 0 0 होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। देखो 4 से नीचे है तो फिर डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, 4 से बड़ा आएगा तब डिवाइड करेंगे ना। ये आएगा 1, देन आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 4। अब देखो 4 आ गया तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। देन ये आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 2 और 2 4। अब देखो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 0 रिमाइंडर। देन 2 और 3 कितना होता है, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, है ना। इसी टाइप से 3, ये 0 आ जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पे 3 आएगा, ये आएगा 0, देन ये आएगा स्टूडेंट 1, एंड देन यहाँ पे हम जानते हैं रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये हमारे पास क्या होती है, टेबल होती है। इस टेबल से हम सिंपली समझ सकते हैं स्टूडेंट, ये क्लोजर है, हर एलिमेंट इसके अंदर ही आ रहा है तो क्लोजर है। स्टूडेंट एसोसिएटिव भी, आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए। आप, मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 1 एडिशन मोड लो 4, देन 3 ले लिया मैंने, एंड देन एडिशन मोड लो 2 और 4, ये पकड़ लेते हैं। देन स्टूडेंट उसके बाद फिर मैं इसकी बात करूंगा, एडिशन मोड लो यहाँ पे ठीक है ना, एक्चुअली 2 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी लिख सकते हैं फिर ठीक है। देन यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, एंड देन लेता हूँ मैं 3, देन फिर मैं लेता हूँ 1 एडिशन मोड लो 2 4, देन 2, देन 4, देन 3। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, सेम आ रहा कि नहीं आ रहा पता पड़ जाएगा। तो इसमें हम जानते हैं इसके लिए 1 + 2 3 होता है, तो 3 तो 4 से छोटा ही, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3 और 3 6, और हम जानते हैं 4 है तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। स्टूडेंट इसको चेक कर लीजिए आप, देखो 1 + स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 और 3 5, और हम जानते हैं 5 है तो इस 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एसोसिएटिव भी है। स्टूडेंट आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, हम देखो ये टेबल वापस मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही टेबल है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आ रहा है, ये पूरी की पूरी टेबल लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करे, इसका मतलब ये इसका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। याद है इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, पहले वाला वीडियो देख लीजिए उससे आप समझ में आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। जब हम बात करेंगे इनवर्स की, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 होगा, देखो ये 0 इसका इनवर्स है, 1 का इनवर्स कौन होगा स्टूडेंट, इसके सामने ये 3 ठीक है। देन हम जानते हैं 2 का इनवर्स, स्टूडेंट 2 का इनवर्स कितना होता है हमारे पास, 2 का इनवर्स 2 होगा। देन हम जानते हैं 3 का इनवर्स, स्टूडेंट 3 का जो इनवर्स है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इनवर्स भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट देखो आप यहाँ पे, ये देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, 1 2 3 1 2 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते होंगे आप लोग। तो ये अबेलियन ग्रुप भी है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी सब एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सिमेट्री भी आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं ठीक है। देन यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 की बात करें, देखो अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10। अब मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ उससे आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए इधर कैसे करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 7, ये आएगा 9, देन ये आएगा 1 3 7 एंड 9। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन मोड लो 10 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए हम जानते हैं ये क्या आएगा 1, और हम जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, देखो मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ये 3 3 3 9 9 10 से कम आ रहा है, 3 7 21 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 27 9 3 27 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, देन 7 10 7 3 21 1 बचेगा, देन स्टूडेंट 7 7 49 9 बचेगा, देन 7 63 3 बचेगा, देन स्टूडेंट 9, देन ये आएगा 9 3 27 7 आएगा, देन स्टूडेंट 9 3 7 63 तो 3 आएगा, देन ये 9 9 81 तो 1 आएगा। देखो हर एलिमेंट इस सेट के अंदर ही आ रहा है, इससे बाहर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोज्ड है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एसोसिएटिव आप आराम से 3 एलिमेंट लेके चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे एसोसिएटिव मिल जाएगी, आप कोई भी 3 एलिमेंट पकड़ लीजिए। चलो मैं ले लेता हूँ आपके सामने 3 मल्टीप्लिकेशन मोड लो कितना है यहाँ पे 10 है, 3 10 और यहाँ पे 7 ले लीजिए, एंड देन मैं यहाँ ले लेता हूँ 9 ठीक है। इन दोनों को पहले कर लो, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी आगे पीछे किसी को भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अल्टीमेटली दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए ठीक है ना। जब इसको लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 मोडलो 10, हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 9 63 3 आएगा यहाँ पे, और 3 3 9 हो जाएगा ये स्टूडेंट, इसको पकड़ लीजिए आप यहाँ पे इनटू, सॉरी दिस इज इनटू है ना, दिस इज इनटू राइट, ये 9 है ना।
स्टूडेंट हम जानते हैं ये 21 आएगा तो 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या है मॉड लोड 9, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 9, दोनों बारह बारह, इसका मतलब ये क्या हो रहा है एसोसिएटिव भी। स्टूडेंट हम जानते हैं ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ पे क्या कर रही है रिपीट कर रही है, तो ये इसका क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो हम जानते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वाले कंसेप्ट हैं, इनवर्स की बात करी जा सकती है, ये 1 है तो ये 1 ही आ रहा है, 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 इसका मतलब क्या होगा 1 का इनवर्स कितना होगा 1 होगा, 3 का इनवर्स कितना होगा 7 होगा, देन 7 का इनवर्स कितना होगा 3 होगा, एंड 9 का इनवर्स कितना होगा 9 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट ये सिमेट्रिक टेबल है, देखो आप सामने ये 379 ये आ रहा है, देन ये 1717 ये आ रहा है, देन ये 33 ये आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, देन यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या होगा, ये ग्रुप होगा और ये अबेलियन ग्रुप होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक टेबल आ रही है ना। तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे तो Z10 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा एक अबेलियन ग्रुप होगा। स्टूडेंट इस टाइप से यहाँ पे हम इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं, स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 मॉडुलो 6 दे रखा है, तो मॉडुलो 6 में क्या आएगा 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5, देन वही सेम 0 1 ऐड करेंगे यहाँ पे टेबल बनेगी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये टेबल यहाँ पे देखो हर एलिमेंट तो इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये क्लोजर होगा, देन ये एसोसिएटिव होगा ही होगा क्योंकि एडिशन मॉडुलो हमेशा एसोसिएटिव होता है और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो भी एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखो ये लाइन यहाँ पे क्या कर रही है रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा इसका इनवर्स हो जाएगा, देन स्टूडेंट इनवर्स होगा तो हम जानते हैं ये 0 यहाँ आ रहा है, 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 इसका मतलब हमारे पास 0 का इनवर्स कितना होगा 0 होगा, देन 1 का इनवर्स कितना होगा स्टूडेंट हमारे पास 5 होगा, दिख रहा है ये, एंड देन 2 का इनवर्स कितना होगा हमारे पास 4 होगा, देन स्टूडेंट यहाँ पे 3 का इनवर्स कितना होगा 3 होगा, देन हम जानते हैं 4 का इनवर्स कितना होगा 2 होगा, देन स्टूडेंट हमारे पास 5 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा हमारे पास 1 होगा। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो टेबल है ये क्या आ रही है सिमेट्रिक आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे देखो 501 501 3 4 5 0 3 4 5 0, लाइक ये पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा अबेलियन ग्रुप होगा अंडर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 6। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सेट ऑफ या जी बोल रहा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे जी एंड मॉडुलो 6, सॉरी एडिटिव है ना तो एडिशन आ जाएगा यहाँ पे ना, ये एडिशन है ठीक है, तो ये एडिशन आ जाएगा ठीक है ना, एडिशन मॉडुलो 6, ये क्या होगा हमारे पास एक ग्रुप होगा। इसी टाइप से एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी समझ लीजिए आप, ये सेम 0 1 2 3 4 1 2 3 4 है और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो स्टूडेंट सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया था 1 2 3 4 1 2 3 4 टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं ये क्लोजर है, एसोसिएटिव होता ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट पूरी इस टेबल से पूरी कहानी समझ लेंगे, देन हम जानते हैं यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या करेगा ये इनवर्स, जैसे 1 का इनवर्स ये आ रहा है, देख रहा है ये आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, तो 1 का इनवर्स 1 है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, 4 का इनवर्स 4 है, तो यहाँ पे हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट ये सिमेट्रिक भी आप देखो 2 3 4 2 3 4 3 1 3 1 2 2, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। अब आप ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको आप ट्रांसपोज करके देखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा अबेलियन भी होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको जो मेरा पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो बताया एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के जो क्वेश्चन होते हैं उसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, और स्टूडेंट्स पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थ्योरम है वो मैं आपको प्रूव करूंगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लेने वाले हैं सब ग्रुप, फिर हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप एंड जितना भी टॉपिक्स है नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, लाइक आइसोमॉर्फिज्म पे बेस्ड थ्योरम्स हैं वो सब मैं आपके लेने वाला हूं। तो बिल्कुल चिंता ना करिए, मेरे साथ बने रहिए और बहुत ही जल्दी इस टॉपिक पे मैं पूरा लाइक विद इन वन मंथ मैं आपका टॉपिक पूरा करूंगा। तो स्टूडेंट अगर इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सो दैट के आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टूडेंट लास्ट में जो वीडियोज आ रहे हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।